कहीं जा रहे जा रहे हम खेत पे, अब उतरते चले हैं, नरवा है यहाँ से उतरेंगे, वो खेत है सामने, यहाँ से उतरेंगे। देखो कैसे उतरे थे से, उतरो आराम से उतरना दादाजी, उतर रहे हैं, चाचा भी आ रहे हैं, देखो चाचा भी आ रहे हैं, खेत में जा रहे हैं अभी हम, वहाँ पे सामने जाना है हमें। कहा कहा मूँगफली लगी, मूँगफली का खेत है पूरा, चलो चलते हैं। देखा चाचा भी उतर रहे हैं आराम से, देख आराम से उतरो, उतरे आराम से। देखो गाइस तो आ गए हैं, ईशान भी उतर रहा है, ईशान का शरीर थोड़ा भारी है इसलिए धीरे लगता है, ये आराम से उतर आए। चलो तो मूँगफली भी चलते हैं देख लें, गाड़ी हमने लगा दी बाहर, लॉक कर दी गाड़ी, मूँगफली। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, 3-4 दिन, देखो कैसे भरे हुए थे, ये देखो तालाइयाँ सी भरी हुई है। नन्ना जा रहा है, मैं ईशान जा रहा हूँ, यहाँ भी भरे हुए हैं पानी, अच्छा लगता है ना ईशान, इधर हरा भरा एकदम चारों ओर दिखता है। ये है खेत मूँगफली का, मूँगफली बोइए, चलते हैं आगे। भाजी मिल गए थे, उनको भी बिठा लिया, चाचा को भी बिठा लिया। देखो मूँगफली बोई हुई है, ये मूँगफली फलेगी, मूँगफली के खेत है पूरा, उधर से चारों ओर तक बोई हुई है। देखो तो उनके खोल बने हुए हैं गाय बैल, देखो पूरा तो पक, अभी तो जम आई पूरी, अभी तो कब, काफ़ी टाइम लगेगा, 3 महीने लगेंगे क्या काका, 3 महीने, अगर बारिश भी नहीं हुई तो पानी भी देना पड़ेगा ना। देखो चारों तरफ भी हमारे घर से, वो देखो गाड़ी वो लगाई हमने, ये है यहाँ लगी गाड़ी, हमारे घर से कम से कम 5 किलोमीटर है, 1 घंटा पैदल में लगता है मैक्सिमम। ये जो बरगद का पेड़ है बहुत छोटा था उस टाइम, आज से लगभग 30 साल पहले, मैं भी उस टाइम छोटा था। गाइस बैल बैल वगैरह होते थे हमारे घर में, यहाँ पे घास होती थी खूब, यहीं पे चराते थे भेड़ बैल गाय इधर ही। देखो उधर नरवा का मिलान है, इधर का नरवा उधर का इकट्ठा होता है वहाँ पे, वाह छोटी नदी बोलते हैं इसको, पानी चारों ओर का आता था इधर ही आता बह के इसमें, वो एक नरवा उधर से भी आया है, इकट्ठे हो जाते हैं दोनों। गहराई है तो और क्या, गहरा नहीं होगा तो नहीं, पानी बहरा देख, बहरा ना चलते नीचे धार में चलते, ये कर धरी है नीचे। तो भाई हम आ गए नरवा में, नीचे काफ़ी खूबसूरत है, उमस बहुत ज़्यादा है, देखो नरवा है, धीरे धीरे बहरा पानी, उधर तेज भाव ज़्यादा है, इधर से ही पानी आया, देखो पानी बरस हो ना कल बहा के आ गए। तो गाइस हम आ गए छोटी सी मिनी नदी, मतलब नदी बोले चाहे नरवा, नरवा हमारे छोटे को बोलते हैं। ये देखो कल कल छल छल जल, ये देखो बह जाएगा ईशान तो, अभी देखो धार चल रही है, आ गए यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, पानी पीने वाला है ठंडा। चाचा उधर हैं, वो आ रहे हैं चाचा भी, देख के आ गए, नरवा भी देखा है, अब आ गए वापसी, अब गाड़ी में चलते हैं वापसी, उमस बहुत है, गर्मी बहुत है, और बकरियां भी हैं यहाँ पे ईशान, बकरियां भी हैं, देखो बकरियां भी हैं, ये देखो बकरियां, देखो पत्थर, प्लेन कर लिया आगे आगे के लिए पीछे बहता हुआ पानी है वहीं पे पानी पके, यहाँ पकाया कुछ भी है, वो जा रही है बकरियाँ। ये देखो दादाजी चुड़ैल, तो गाइस यहाँ पे चुड़ैल रहती है यहाँ पे रात को, रात को बड़ा दिक्कत होती है यहाँ पे, लेकिन हम कैंपिंग करेंगे वहाँ, रात को रुकेंगे यहाँ, रात को अनुभव भी करेंगे। सो मिली तुम्हें फे? तो मिली सो ने ये सो ये बो आई है सी हदी थी उके देखो हैं ये सी तो धायती में धाये थे आगे, हाँ आगे बताओ आगे की तरफ बाल थे उसके, ये सी धाये थे आगे धायती में हैं, तो हम उते हम देख इस तरह बैठे थे, बता रही है वो चुड़ैल ऐसी बैठी थी, तो जैसी हमने ये सो कही के जो को हुई है हैं, तो उने ये सो करो हैं, तो जी वो सब ये पछाए आगे डंगा, अच्छा वो ने आगा है मेरे को काई जामू, अच्छा काला मो था इसका पूरी या सो हैं, अजी हमने जितने देलाए कमाले सब ये भगे चिल्ला हैं, बताओ। तो गाइस रात को यहाँ पे रुकना बहुत कठिन है,
पर हम चाचा के साथ रहेंगे तो कोई डर नहीं होगा, बट देखेंगे कैमरे में क्या तो देखेंगे कल का प्रोग्राम बनाएंगे देखते हैं रहेंगे नहीं नहीं ईशान कह रहा है चुड़ैल की वीडियो तो बनेगी लेकिन हम रहे नहीं पता नहीं क्योंकि यहाँ चुड़ैल होती है भाई रात को। ये पुल है वो अक्सर यहाँ पे देखने को मिलता है रात को। देखो पानी झल 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 कर रहा है ये देखो। यहाँ पे मान्यता है कि जब भी कोई पुल बनाया जाता है तो उसके नीचे पहले बंदों को मार के गाड़ा जाता है। हाँ यही होता है अक्सर है ना। चलिए गाइस फिलहाल तो आ गए हम यहाँ पे, गाड़ी वो रखी है, अब हम निकलते हैं। खेत देख लिया हमने बहुत सारा, बाइकें भी जा रही हैं खूब सारी, तो रात को देखते हैं कैंपिंग करके। चाचा भी आ गए हैं देखो, वो बकरियाँ ये यहाँ पे हड़ियाँ उधर भी भैया बैठे हैं, उन्होंने बताया पीछे ब्लॉग में देखिएगा आप लोग, उन्होंने भी आप भी थी बताइए। चलो बनेगा तो पता चल गया, अब देखते हैं चाचा साथ ले आएंगे ना तब देखेंगे। ईशान भी कह रहा है, ईशान भी आएगा, ईशान ईशान जो है ब्लॉगिंग करेगा क्योंकि जो ब्लॉगिंग करेगा उसी को देखेगा भूत है भाई। घर की ओर चलते हैं, ये खेत है इतना बढ़िया पेड़ हुआ, वापसी आ गए हैं, चलते हैं अब घर की ओर। बड़ी खुशी हुई कहाँ बैठा ला, कहाँ बैठा ला, बड़ा अच्छा लगा भाई। ईशान भाई आ गए है भाई, आधी आए हैं बिल्ली पे, लेकिन आप वीडियो नहीं से बनवाएंगे, कैंपेन करेंगे। ये बंसी जोहार खेतों का नाम है, बंसी जोहार खेत का नाम ही नाम रखा है, इसके कुए का नाम है बंसी जोहार। फील्ड अब फील्ड छोटी पड़ गई, फील्ड पे ही गाड़ी घुमा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ घर की ओर। देखो अगर वहाँ होदी में पानी होगा तो जरूर धोएंगे, इसे धोएंगे फिर चलते हैं घर। गाइस आईटी का ले आया हूँ खेत पे, ये घर खेत पे ही है, देखो आईटी का खड़ी है। और यहाँ क्या है, गांव में क्या है अक्सर क्या है, पानी की बड़ी व्यवस्था थोड़ी होती नहीं है, तो कुएं पे जो है होद है, देखो ये होद है, इससे पानी भर के गाड़ी को साफ करेंगे क्योंकि बहुत मिट्टी हो गई है। तो चलिए गाइस साफ करते हैं गाड़ी को, इसलिए मैं लाया था घर से, बाकी तो कोई काम तो वैसे है नहीं, खड़े खड़े बोर भी हो रहा था काफ़ी दिन से, दो दिन से कहीं गए नहीं, गाड़ी खड़ी थी घर पे, तो ले आया हूँ खेतों पे, अब इसे साफ करके एकदम चकाचक करते हैं फिर चलते हैं घर। तो अब हो चुकी है गाड़ी साफ, हमारे भैया जी उधर हो गई भैया गाड़ी साफ, अच्छा बाहर से हो गई, अब अंदर की करनी है, दोबारा जल्दी जल्दी करते हैं। गाड़ी साफ हो रही है भैया, बस दो मिनट पांच मिनट लगेंगे बस, ये कर दी, इतनी चमक गई शक्ल दिख रही है अब वापस। बहुत गंदी हो जाती बरसात में, वो मुझे गाड़ी गंदी बर्दाश्त नहीं होती। हम चमक गए हैं, गाड़ी भी चमक गई है। अब हमें जाके वो टटुआ खोलना है, टटुआ मतलब दरवाजा सा जहाँ से गाड़ी निकालेंगे। भैया आ रहे हैं गाड़ी लेकर, पैर पर टिका हुआ है, बड़ा पसीना है भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत मेहनत करने के बाद हो गई है, ऐसी हो गई कि शक्ल वापस दिख रही है गाड़ी में से। चलिए अब घर की तरफ चलते हैं। तो भाइयों अभी अभी हम गाड़ी साफ करके आए, देखो ये क्या हुआ है।